हे व्हाट्स अप गेमिंग आर्मी, वेलकम टू गेमिक्स प्रो। अबे सोलो में खेलने का अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप सोलो में खेलते हो। जैसे आप किसी को किल करते हो तो भाई वो जो इंस्टेंट किल मिलता है आपको, या स्नाइपिंग करते हो इंस्टेंट स्नाइपिंग किल मिलता है, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो यार आज हम खेल रहे हैं यहाँ पे सोलो, और यहाँ पे अपनी भूख मिटाने के लिए हम जा रहे हैं पोचिंकी के इस बड़े से टाउन में। अब यार यहाँ पे जैसे मैं उतरा तो देखा पीछे कि कितने लोग उतर रहे हैं साथ में, तो भूख मिटाने के लिए तो काफ़ी लोग थे यार, लेकिन यहाँ पे गन नहीं मिली। अब जैसे गन नहीं मिली इस घर में घुसा और ये दोनों फाइट कर रहे थे, मैं बीच में आके जो है फ़ायदा ले गया। अब ये जो बंदा था बीच वाले को सारा का सारा डैमेज दे गया, और जैसे ही मेरी बारी आई तो उसकी उजी जो है रिलोड करने लगी और मैंने उसको मिनी से मार दिया। अब मेरे पास यहाँ पे उजी थी और मस्त सिचुएशन थी। तुम्हारे भाई के पास यहाँ पे ये अब किल बटोरे जाएं, और किल बटोरने के चक्कर में ये बंदा भी आ रहा था, लेकिन इसको पहले अपने रास्ते से हटाना ज़रूरी था और वो मैंने कर दिया बखूबी। अब यहाँ पे ये बंदा पता नहीं क्यों मेरे को सुनते ही, जैसे मैं घर के अंदर घुसा ये भागने के लिए ऊपर चला गया, ताकि ये देखो इसका दूसरा साथी भी आ गया। और ये दोनों एक ही घर में थे भाई, टीम अप कर रहे थे शायद। जैसे उसको मारा घुसा और ये भी तुरंत पीछे से आ गया और इसको भी मैंने मार दिया। तो यही होता है गाइस, जब आप टीम अप करते हो तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब इस घर में मैंने रश किया क्योंकि एक बंदा था यहाँ पे और वो कब से इसी घर में बैठा हुआ था, बहुत तुचुक तुचुक फायरिंग कर रहा था। मुझे पता था यार वो लोअर लीग का प्लेयर है, इसीलिए किसी पर रश नहीं कर रहा, और मैंने इसका फ़ायदा उठाया और उसको ख़त्म कर दिया। अब ऑलमोस्ट तुम्हारे भाई ने पोचिंकी साफ कर दिया था यहाँ पे। पोचिंकी में लोग तो बहुत सारे उतरते हैं लेकिन छुपे रहते हैं। अब ये बंदा जैसे ही अपनी बाहर निकला अपनी मियाद से, मैंने इसको मार दिया। जो मियाद होती है ये बहुत देर तक अपनी मियाद में बैठे रहते हैं, और जैसे ही निकला तो मैंने इसको किल कर दिया। अब पोचिंकी को खाली करने पे एक अलग ही यार सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कि मुझे अब मिला। और यहाँ से हम निकले अब जॉर्जो पुल की तरफ, ताकि एक और जगह जहाँ पे मुझे एनिमीज मिल सके, जहाँ को उनको मैं किल कर सकूँ। और यहाँ से फ़िलहाल यही मेरा रूट होता है जॉर्जो पुल में जाने के लिए। अब यहाँ पे मैं जॉर्जो पुल पहुँच तो गया था, लेकिन शांति काफ़ी लग रही थी कि जैसे कोई उतरा ही ना हो यहाँ पे। बाद में मुझे पता चला कि यार जॉर्जो पुल से तो रूट ही नहीं था, तो लोग यहाँ पे आएंगे कहाँ से। सो यहाँ से मैं अब निकल गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं आया था, और लूट करना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नॉर्मल गन्स ही रखता हूँ ज़्यादातर। और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस गोल्डन ड्रॉप पर। अब मेरे जस्ट सामने था यार ये ड्रॉप, और गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी थी। अब लूटना तो इसको बनता ही था यार, लेकिन ये गाड़ी थी मतलब यहाँ पे बंदा था, और पहले उसको मारना ज़रूरी था। मेरे पास थी एक के एम और बस गया था, फिर उस बंदे की खैर थी। अब यहाँ पे पहले तो मैंने नीचे चेक किया कि वो कहीं नीचे तो नहीं छुपा। बाद में मुझे जब कन्फर्म हुआ कि वो ऊपर है, तो मैं समझ गया भाई वो बंदा एकदम जो है पैनिक हो गया है, और वो कोने पे बैठा था जिसको मैंने बहुत ही आराम से मार दिया। और अब बारी थी यहाँ से निकलने की। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है तुम्हारे भाई के साथ, अचानक से ज़मीन के अंदर से एक आदमी प्रकट होता है जो कि लेटा होता है, और मैं उसको सुन लेता हूँ। और ये है वो आदमी, मतलब ये यहाँ पे लेटा हुआ था और इसको पता था ये यहीं से गुजरेगा और मैं इसको मार दूंगा पीछे से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समझ गया था, मैंने तुरंत चलती गाड़ी से छलांग लगाई ब्रेक मार के और इसको ख़त्म कर दिया। अब सामने मेरे को यहाँ पे दिखी एक गाड़ी, तो गाड़ी का मतलब तो बंदे भी इधर ही हैं और उनको मारना तो ऑब्वियसली बनता है। अब ये ओपन जगह थी, यहाँ पे मैं कहीं गाड़ी पे रोक नहीं सकता था, मतलब गाड़ी को कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं रोक सकता था, और उस बंदे की लोकेशन भी मेरे को मालूम नहीं थी। लेकिन इतने में सामने से आती है फायरिंग और तुम्हारा भाई जो है उसी तरफ घूम चलता है। अब ये गाड़ी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस पर ऑलरेडी कोई अटैक कर रहा था और ये काफ़ी डैमेज थी, इसलिए मैंने भी इस पर जो है पंगे ले लिए, और इसको मारने की बजाय मैंने गाड़ी फोड़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया। और तुरंत पता चला कि पीछे एक बंदा है, यही उस पर कब से फायर कर रहा था, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये जो बंदा था यार उसको मार रहा था कब से बेचारे को, और जैसे वो यहाँ पे रुका मैंने उसकी गाड़ी से गाड़ी टकराई और उसको पहले ख़त्म किया, बाद में पता चला कि ये भी पीछे ही है मेरे, और इसको भी जो है उड़ा दिया। अब यार जब आप इस जगह पे आते हो तो एक बार तो यार टावर पे जाना बनता है। टावर बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये वाली जगह की, और ये सबसे ऊंचा टावर है इस जगह पे, और इस पे जाना तो बनता था जब कार 98 थी हाथ में।
तो सोचा कि कुछ किल ये लिए जाएं, अब कार 98 का भी जो है यूज़ किया जाए। हालांकि कार 98 का मेरे गेम प्ले में कोई भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि मैं सिर्फ रश करता हूँ। स्नाइपिंग बहुत कम मौक़ों पे मैं ये जो है ट्राई करता हूँ। अब यार भले कार 98 हाथ में थी, लेकिन बंदे तो थे ही नहीं। चारों तरफ देखा, जब कोई नहीं मिला तो डिसाइड किया कि यार यहाँ से चला जाए, अब कहीं और रश करके मारा जाए। और जब भी आप इस टावर पे आते हो यार, थोड़ा ध्यान से उतरा करो, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं गिरते गिरते बचा और मेरी सेंसिटिविटी भी बहुत हाई है। तो हल्का सा जैसे मैं कर्सर को आगे पीछे करता हूँ, मेरा जो एकदम सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो अभी यहाँ पे टाइम था यार सामने वाली रिच को कवर करने का, क्योंकि वो रिच काफ़ी बढ़िया थी। मेरे पास 6x स्कोप और उधर ही कहीं पे गिरा था ड्रॉप, और ड्रॉप पे बंदे आने लाजमी थे। और लाजमी थे बोलते ही यहाँ पे जो एक बंदा मुझे दिखा, जिसको सबसे पहले तो एक आराम से हेडशॉट मारा मैंने, लेकिन उसके पास लेवल 3 था इसलिए दूसरे शॉट से उसको किल कर दिया। और इतने में मैंने देखा कि यार सामने जो है उधर से भी फायरिंग हो रही है, तो मैंने स्कोप ऑन करके देखा वहाँ पे, तो गाड़ी खड़ी थी एक लाल कलर की। समझ गया कि इस कंपाउंड में भी बंदे हैं जो, और एक और ये मोटरसाइकिल वाला उतरा, इस पर मैंने एक शॉट दिया लेकिन लगा नहीं। और फाइनली ये बंदा गाड़ी को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे आया, जैसे उतरा मैंने इसको वापस लॉबी में भेज दिया। अब ये जो बगी थी ये भी जो है मज़े ले रही थी स्नाइपर टावर से मेरे पे फायर करके, पर मुझे वो बंदा दिखा नहीं। फिर मैंने बोला यार चलो कोई दूसरे एंगल से देखते हैं। अब दूसरे एंगल से भी मुझे कोई बंदा नहीं दिखा, लेकिन एक बंदा तो था जो कि वहाँ पे छुप के बैठ गया था। अब यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से जो है चलते बना, क्योंकि टावर से वो मेरे को कभी भी मार सकता था। इसलिए मैं वहाँ से चला गया और सोचा कि यार चलो रश ही करते हैं, क्योंकि अपने किस्मत में जो है रश करना ही लिखा है। और यही सोचते हुए मैं पहुँचता हूँ इस वाली जगह पे जहाँ पे वो मुन्ना भाई वाली मोटरसाइकिल रुकी हुई थी। अब फुटस्टेप देख के मुझे अंदाज़ा लग गया था यार कि सामने वाले घर में बंदा है, और बस फिर गया था रिलोड करी अपनी ग्रोज़ा और घुस गया यहाँ पे। पहले तो मैंने सोचा ग्रेनेड फेंकते हैं, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है, वो बंदा TPP ले रहा होगा। और ऑफकोर्स वो TPP ले रहा था, वहाँ पे मेरा अंदाज़ा जो है बिल्कुल सही निकला। मैंने एक ग्रेनेड फेंका, वो रिफ्लेक्ट करके कमरे में गया, और जब वो ब्लास्ट हुआ तो उस बंदे को काफ़ी डैमेज हुआ और इधर उधर भागने लगा। बस यही टाइम था मेरे पास, यही मौका था, मैंने जो है रश कर दिया और वो बंदा जो है छत पर चला गया था। अब मुझे पता था यार छत पे वो किस जगह पे रहेगा, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर था, और ऊपर जाते उसकी मैंने खोपड़ी बूंदी। और इसके साथ ही एक बंदे ने मेरे पीछे से फायर किया, जो कि थर्ड पार्टी होना चाहता था हमारे बीच में, करना चाहता था लेकिन भाई इतनी भी थोड़ा आता है मेरे को कार 98 चलाना। पिक करके बैठा था वो, और उसका खोपड़ी उड़ा दिया, लेवल 2 हेलमेट था उसके पास। तो अब बचे थे यार जोन में पूरे 5 लोग, और मेरे पास थी गाड़ी और जोन था ओपन। तो यार मैंने सोचा क्यों ना अब जो है स्नेक्स को कुचला जाए गाड़ी से, क्योंकि तकरीबन सभी लोग जो है जोन में नहीं हैं और वो ओपन में ही लेटे हुए हैं, तो उनको मारना थोड़ा आसान रहेगा। अब यार यहाँ पे एक गाड़ी कब से जो है वो लाल कलर की गाड़ी में एक बंदा जो है कभी गेट इन कर रहा था, कभी लेट रहा था, और जैसे वो भागने की कोशिश करने लगा मैंने उसको किल कर दिया। अब ये जो बंदा था ये कभी गेट इन कर रहा था, कभी जो है नीचे लेट रहा था, ताकि इस पर स्नाइप शॉट ना पड़ सके। तो मैंने सोचा इसको रश करके मारते हैं, और बाकियों की अब बारी है कुचल के मरने की। यहाँ पे अब मैंने डिसाइड किया कि यार जोन जो है वो बाहर है, बिल्कुल आउट है, एकदम ओपन है एकदम, तो गाड़ी का यूज़ किया जाए। हालांकि इसमें रिस्क भी काफ़ी था, लेकिन फिर भी यार रिस्क से कोई नहीं डरता, खासकर पबजी के अंदर। और रिस्क लेने के लिए मैं रेडी हो गया यहाँ पे, और इसका रिवॉर्ड भी मेरे को मिला आगे जाके। पहले तो मैंने एक पूरा राउंड लगाया कि बंदे कहाँ कहाँ पे हैं, उसके बाद जब मैंने सेकंड राउंड लगाया तो मैंने जो है यहाँ पे उनको कुचलना स्टार्ट कर दिया। और पहला मेरा शिकार हुआ गाड़ी से ये वाला बंदा, इसके पास भी ग्रोज़ा थी, इसने मेरे पे गंदा वाला फायर किया, मेरी गाड़ी की हेल्थ बहुत डैमेज कर दी थी, लेकिन फाइनली मैंने इसको कुचल दिया। और अगर मैं ना कुचल पाता तो मैं शायद मर भी सकता था। अब दूसरा बंदा ये तो कोई ड्रॉप के पीछे लेटा हुआ था, इसको भी मैंने देख लिया था, इसको भी कुचल दिया। अब बचा था एक आखिरी बंदा, और वो भी मुझे दिख गया था हल्का सा, जिसको मैंने आराम से कुचल दिया। और फाइनली तुम्हारे भाई ने यहाँ पे चिकन डिनर कर लिया।
सो यार आप भी जब सोलो खेल रहे हो तो यार ट्राई करो, अगर लास्ट सर्कल ओपन में बनता है तो सभी लोगों को गाड़ी से कुचलने का। अगर तो आपके पास गाड़ी रहती है, आपके पास थोड़ा एडवांटेज रहता है और गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा व्यू देखने को भी मिलता है, इसलिए जो सांप होते हैं वो आपको आराम से दिख जाते हैं सोलो के अंदर खासकर। और अगर तो आप गाड़ी चढ़ाते हो उनके ऊपर से, वैसे वो मर जाएंगे और बिल्कुल तुरंत आपको किल भी मिल जाएगा, एक अलग सा मज़ा मिलता है तुरंत किल करने का भी। तो यार कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर। बाकी जो भी लोग न्यू देख रहे हो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को, काफ़ी हेल्प मिलता है इससे। और बाकी मैं मिलता हूँ यार आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।